हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैफ का ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करने वाले स्टॉक एंड डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टॉक एंड डेटर एट इनवॉइस प्राइस, और इसे मैंने आपको बताया था नया अकाउंट कौन सा बनता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर स्टॉक एंड डेटर एट इनवॉइस प्राइस बोला है तो जो भी आप रिजर्व मेंटेन करोगे वो किस कौन से अकाउंट में मेंटेन करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? उसके अलावा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एक्सपेंसेस जो बोला रहेगा वो अकाउंट तो बनेगा। मिनिमम अकाउंट कौन सा बनेगा, स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, गुड सेंड टू ब्रांच एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इतना तो बनता ही है। साथ ही साथ स्टॉक डेटर्स है तो डेटर्स का अकाउंट भी बनेगा। क्लियर? तो बेसिक अकाउंट तो मैंने बना दिया है, और अगर लगेगा एक्स्ट्रा कोई अकाउंट तो वो भी अकाउंट बना देंगे। ठीक है क्या? चलिए देखते क्या दिया है। दिल्ली सोप मिल लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट आगरा, गुड्स आर इनवॉइस एट द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%, ब्रांच रेमिट ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम टू शो प्रॉफिट अर्न एट द ब्रांच। स्पेसिफाई कर दिया मेथड, और यहां पे वो पॉइंट कौन सा दिया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कल मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, यहां पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, मतलब ये कॉस्ट कितना परसेंट है, 100, प्रॉफिट कितना बोला 50%, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस का मतलब ही इनवॉइस प्राइस है, ये याद रखना। और यहां पे हम लोग कौन से प्राइस पे स्टॉक को मेंटेन करने वाले हैं, इनवॉइस प्राइस पे। अगर कॉस्ट प्राइस दिया है तो भी उसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेम चीज डेटर एट इनवॉइस में भी करते, सेम चीज आपने डेटर एट इनवॉइस प्राइस में भी किया है, अगर कॉस्ट बोला है तो उसे इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसका रिजर्व मेंटेन करेंगे। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर? चलिए देखते हैं अब क्या दिया है भाई। स्टॉक ऑन 1st April 2013, इनवॉइस प्राइस 93,000, इनवॉइस प्राइस पे चाहिए। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक के अंदर डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक 93,000, और इसे स्टार मार्क क्यों, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, इस पे रिजर्व कैलकुलेट होगा। बराबर है सुनी? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स ऑन 1st April, ये कौन सा डेटर है, ओपनिंग डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, क्या बात है, 68,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, गुड्स इनवॉइस एट ब्रांच ब्रैकेट में कॉस्ट 3,40,000, गुड्स इनवॉइस एट ब्रांच मतलब गुड्स दिया ब्रांच को, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है बाय स्टॉक अकाउंट, कहां आ रहा है स्टॉक अकाउंट में, तो टू क्या लिखोगे, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब सवाल यह है कि इधर इनवॉइस प्राइस होना चाहिए, कॉमन सी बात है, तो इनवॉइस प्राइस मतलब 150% होना चाहिए, तो ये जो कॉस्ट दिया है कितना दिया, देखो बुक में जो कॉस्ट दिया कितना है, 3,40,000, ये कितना परसेंट होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब 100% होगा ना, और मुझे कौन सा प्राइस चाहिए, इनवॉइस, मुझे कितना परसेंट चाहिए, समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3,40,000 इंटू 150 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है, 5,10,000, इससे भी स्टार मार्क, इनवॉइस प्राइस गुड्स वाला है, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट 5,10,000। सर इससे अच्छा तो 3,40,000 ही लिखते हैं ना, ऐसा अगर आपके दिमाग में आया है तो आप गलत हो, क्यों, क्योंकि मैंने बताया यहां पे जो स्टॉक मेंटेन करना है वो कौन से प्राइस पे मेंटेन करना है, इनवॉइस प्राइस पे, तो अगर कॉस्ट प्राइस ही बोला है तो भी आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे, और फिर उसका रिजर्व मेंटेन करेंगे। समझा? ये मैंने स्टार्ट में बताया आपको।
स्टॉक एट कॉस्ट बोला रहता तो कॉस्ट प्राइस ही लिखते, लेकिन इनवॉइस प्राइस वाले कंसेप्ट में इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू होता है। ये तो मेथड का डिफरेंस है ना, क्लियर। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, सेल्स एट ब्रांच कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, मतलब सेल्स हुआ है तो बाय सेल्स अंडरलाइन करके कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब डेटर्स होता है, कल ही मैंने बताया था। कैश सेल्स कितना, 2,50,000 एंड 3,10,000। अब कैश सेल्स मतलब पैसा आएगा, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट बनाया क्या, कैश नहीं, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स का मतलब सेल्स, ये ब्रांच डेटर अकाउंट सॉरी क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो गया और सेल्स किया है तो डेटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितना, 3,10,000। इसमें कुछ डाउट, समझा क्या, लेस टोटल सेल्स दिया है क्या, नहीं ना, इधर अलग अलग बाइफरकेशन है। कल तक टोटल सेल्स था, उसमें से कैश निकालते तो क्रेडिट मिलता था, अभी तो यहाँ पे कैश क्रेडिट बाइफरकेट करके दिया है, क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा कलेक्ट किया तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। कितना, 3,04,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। कैश अकाउंट बनाया रहता तो उसमें दिखा देता, मैंने बनाया नहीं है, मेरे को लेन देन नहीं उससे, ठीक है क्या। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आगे दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स को गुड्स दिया था तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स रिटर्न किया तो इधर आ जाएगा डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, वेरी गुड, 12,000। इधर डेबिट तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न। कितना, 12,000। समझ में आ रहा है ना, हर सम में ऑलमोस्ट यही है। उसके बाद क्या है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब यहां पे ऐसा बोला ये इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऐसा कुछ, तो बाय अजम्पशन आपका क्या रहेगा, ये कौन सा प्राइस है, इनवॉइस प्राइस, बराबर है। गुड्स आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना, 1,500, बराबर है। इधर क्रेडिट तो गुड्स सेंड के अकाउंट में, डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट या तो ब्रांच अकाउंट। कितना, 1,500। इसे स्टार मार्क कर दो, गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट होता है, बराबर है ना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना, अब तक ये नहीं था। क्या बोला है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक कम पड़ा, स्टॉक कम पड़ा है, स्टॉक कम पड़ा है, स्टॉक है तो डेबिट, क्योंकि असेट है तो डेबिट, कम पड़ा है तो क्रेडिट, तो बाय शॉर्टेज या तो फेल। अभी जो शॉर्टेज होगा, स्टॉक को रिजर्व करना, स्टॉक को कम करना, बढ़ाना, उसके लिए हमने एक अकाउंट मेंटेन किया जिसका नाम क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट। तो शॉर्टेज हुआ, रिजर्व हुआ, लॉस हुआ, वो सब कौन से अकाउंट में मेंटेन करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो बाय कम पड़ा तो बाय ब्रांच क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट। कितना शॉर्टेज हुआ, 4,500। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएंगे डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना, 4,000। सर अभी भी समझा नहीं, लॉजिक क्या था ये, स्टॉक शॉर्टेज का मतलब क्या है, कि आपने कुछ हिसाब किताब किया रहेगा, आपसे गड़बड़ हुआ रहेगा, लेन देन चल रहा था स्टॉक का, उसमें कम पड़ गया स्टॉक, तो जब स्टॉक कम पड़ गया है तो अपने को हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ही। तो भाई हम बोलेंगे, भाई तुम अभी ये कौन मेंटेन कर रहा है हिसाब किताब, हेड ऑफिस, किसका हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है, ब्रांच का, बराबर है। तो ब्रांच का हिसाब किताब कर रहा था तो उसने क्या बोला, अरे यार स्टॉक कैसे कम हुआ, ब्रांच को तो दिया रहेगा मैंने, तो जब भी उसने ब्रांच को दिया रहेगा उसमें कहीं ना कहीं उसने का अपना प्रॉफिट रखा रहेगा इनवॉइस प्राइस, क्योंकि उसका रूल है ना कि मैं गुड्स जो भी बेचने वाला हूँ वो इनवॉइस प्राइस पे बेचने वाला हूँ। तो अगर स्टॉक जो है वो कम पड़ गया तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रिजर्व होगा,
इसलिए हमने उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो किधर दिया है, ब्रांच एडजस्टमेंट में। इसमें कोई रिजर्व कैलकुलेट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो शॉर्टेज हुआ है, कम पड़ा है। कितना कम पड़ा है मालूम नहीं है, 4,500 का मेरे को कम पड़ा है इतना मालूम है, बट उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट वाला रूल है वो अपने को मालूम नहीं है ना। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इतना कैलकुलेशन होगा, इस पर कोई रिजर्व कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। समझा? ठीक है ना। चलिए सर, अगर रिजर्व कैलकुलेट किया तो आपका दिमाग लगाओ भाई, इसका रिजर्व आएगा डेबिट, इसका रिजर्व आएगा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जीरो इफेक्ट होता है, इसलिए नो एडजस्टमेंट, नो रिजर्व। ये क्या बोल रहा, समझ में आया ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, अपने लिए तो एक्सपेंस है तो टू डिस्काउंट, कितना 2,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, कस्टमर यानी कि डेटर्स बाय डिस्काउंट, कितना 2,000। समझाना ये। उसके बाद क्या है, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो टू एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना 54,000, और पैसा जाएगा, कैश अकाउंट बनाया नहीं है। समझा? अजून कुछ है क्या? जालो क्लोजिंग करेंगे फटाफट। चलिए ठीक है, और क्या एडजस्टमेंट, रिजर्व के एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। अभी हमको इसके ऊपर रिजर्व कैलकुलेट कर, जरा ध्यान दें। ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व 93,000 है, डेबिट तो इसका रिजर्व किधर जाएगा, क्रेडिट में, तो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कितना। अभी जो 93,000 है ये इनवॉइस प्राइस है, मतलब कितना परसेंट है अपना प्रॉफिट कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 93,000 अगर 150% वैल्यू है तो 50% कितना, कितना 30, पक्का ना। चलिए ठीक, सेम चीज, गुड सेंड टू ब्रांच, इधर डेबिट तो इसका रिजर्व आ जाएगा क्रेडिट, बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। वंस अगेन ये कितना परसेंट, 150% ही है, तो सेम कैलकुलेशन, 150,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 150, 170,000 इधर क्रेडिट, इसका दूसरा, हाँ बोल बेटा, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट, इधर आ जाएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, 170,000। समझा? नेक्स्ट इधर है 1,500, तो इधर आएगा डेबिट, इधर नहीं, इधर डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, 1,500 कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट, 150% होगा, मुझे कितना चाहिए, 50, हाँ इधर, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, 5,10,000 बाकी बराबर है ना। चलिए ठीक है, ये 1,500 का 50 इंटू 150 कर लो, कितना आता है, 500 आएगा शायद, 500 ना, 500 आ रहा है, तो इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 500। भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर एक ही चीज मिसिंग है, क्लोजिंग देखो नहीं दिया है, क्लोजिंग मिलेगा तो अपन उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, और क्लोजिंग मिलने के लिए शॉर्टेज दे दिया था उसने, अब जो बैलेंसिंग फिगर इधर होगा वो ही मेरा क्या होगा, क्लोजिंग। नॉर्मली इसका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, बट अब इधर ऐसा नहीं होने वाला है, एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसे क्लोज करेंगे, इस साइड का टोटल ले लो कितना रहा फटाफट, 6,15,000 बराबर है ना, तो 6,15,000 माइनस करो कितना आ रहा है, 6,15,000 माइनस करो 48,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अरे समझा? पक्का? चलिए चलिए, इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना अपने को, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे, हाँ या नहीं, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, टू क्या ये स्टॉक रिजर्व 48,900 इंटू 50 डिवाइड बाय 150, 16,000 डन,
डन इसका काम, इसको क्लोज करेंगे तो कहां जाने वाला है, ट्रेडिंग में, तो इसका कोई लेन देन इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। डेटर्स अकाउंट क्लोज करोगे बाय बैलेंस आ जाएगा, इसको क्लोज करोगे नहीं, इसका बाकी अभी, क्योंकि इधर से इधर आना बाकी, तो पहले एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। कौन सा साइड ज्यादा है, इधर 201,000, क्या बात है, 201,000 माइनस करो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 79,700 8,5, ठीक है। यहां पे डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 1,79,007। इसे क्लोज करोगे तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं 3,78,000 माइनस करके बैलेंस ले लो 1,660,000। चलिए ठीक, इसको क्लोज करते अब 1,79,700 माइनस करो 2,1,07,000 डन सम। थोड़ा सा पेशेंस से अगर सम सॉल्व करते हो तो ये मेथड भी हो जाएगा। अच्छा ये भी क्लोज कर दिया, बोल दे बेटा 1,71,500 यही बोलना चाह रहा है, 1,71,500 पॉसिबल ही नहीं, ये बाजू का टोटल ज्यादा लग रहा है, 5,10,500 बराबर है, 5,10,500 माइनस कर दो टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना 3,00,000 बराबर है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाए पक्का। और एक दो लेक्चर लेता हूं जिसके अंदर और एक दो सम करेंगे, उसके अलावा ब्रांच अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हुआ है। चार टाइप के सम्स ध्यान में रखना, एक तो है तुम्हारा सिंपल ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट डेटर्स मेथड के अंदर, फिर डेटर्स इनवॉइस प्राइस के अंदर ब्रांच अकाउंट बनता है, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ये फर्क समझो। स्टॉक डेटर्स में ब्रांच स्टॉक और डेटर्स बनता है, लेकिन डेटर्स मेथड में डेटर्स अकाउंट नहीं बनता है, ब्रांच अकाउंट ही बनता है, वो वर्किंग में है, अगर बोला है तो बनाते हो आप, फर्क समझा है ना पक्का। चलिए होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।